हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो गया है शाम, थोड़ा संडे है तो हस्बैंड घर पे हैं, इसलिए सोचे कि जाके आईब्रो बनवा लेते हैं। बहुत दिन हो गया आईब्रो बनवाए हुए, आईब्रो भी बहुत बढ़ गया है। अभी हम नीचे आए हैं, सोसाइटी में जा रहे हैं, बन लेते हैं। अभी हम पार्लर में आ गए हैं और बच्चा होने के बाद ना बहुत कम समय मिलता है कि अपने लिए मतलब कुछ करो, क्योंकि उतना समय आप पार्लर में दे ही नहीं सकते। अगर आपको फेशियल करवाना हो, वैक्स करवाना हो, तो कम से कम तो 2 घंटे लगेंगे, लेकिन नहीं, 2 घंटा बच्चा अकेले नहीं रह सकता है। इसके लिए अभी बस हम आईब्रो करवाएंगे और 1 महीने बाद हमको जाना है मायके, तो उसके लिए तैयारी करना है। तो हम आएँगे किसी दिन फुर्सत निकाल के और उस दिन आईब्रो भी करवा लेंगे, फेशियल भी करवाएंगे और वैक्स करवाएंगे, क्योंकि हमको शादी में जाना है। फ्रेंड की शादी है तो थोड़ा स्पेशल तो दिखना पड़ेगा ना, क्योंकि फ्रेंड की शादी है। और उसके बाद मायके जाने में 1 महीने का टाइम है, इसलिए हम कुछ नहीं करवाते। थोड़ा समय पास आएगा तो करवा लेंगे, ताकि ज़्यादा दिन तक मतलब अच्छा रहेगा। मायके जाने के बाद आपको ढेर सारे ब्लॉग आएंगे, क्योंकि आज हम इस बार मायके में बहुत सारे फंक्शन होना है, प्लस में मेरी फ्रेंड की शादी है और मेरे बाबू का मुजुट्ठी भी है। हमारे बिहार में मुजुट्ठी बोला जाता है और उसको अन्नप्राशन भी बोलते हैं। जब बच्चे को फर्स्ट टाइम मतलब कुछ अन्न तो नहीं खिलाया जाता है, मगर कुछ लिक्विड सॉलिड दिया जाता है फर्स्ट टाइम, उसी को अन्नप्राशन बोलते हैं। और हमारे बिहारी स्टाइल में उसको बोलते हैं मुजुट्ठी। मुजुट्ठी के दिन 56 प्रकार का खाना बनता है और उस दिन बाबा के हाथ से या फिर नाना के हाथ से मुजुट्ठी किया जाता है। हम आईब्रो बनवा के आ गए और कुछ नहीं करवा पाए, क्योंकि अभी बहुत कुछ करवाना था लेकिन नहीं करवाए, क्योंकि बाबू को ज़्यादा देर तक छोड़ के नहीं जा सकते हैं, इसलिए सिर्फ आईब्रो ही बनवाए और घर पे आ गए। और आज हमने अपना मन पसंदीदा चीज़, हर लड़की का मन पसंदीदा चीज़ गोलगप्पा खाए हैं। सच में मूड फ्रेश हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये ड्रेस फर्स्ट, ये ड्रेस है और दूसरा ये ड्रेस है। कैसी लग रही है आप लोग बताइए, हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम जाएंगे तो अपनी परी को पहना के देखेंगे, तो आप लोग भी वहाँ जाने के बाद अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, आप लोग देखने के लिए तैयार रहिए। और अभी यहाँ पे मतलब घर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं बाहर घर का काम। हम सर आए थे और यहाँ पे तुम नीचे आए थे तो बोलना ना चाहिए था, हम नीचे आते। लाना है ना, लाना है ना।